कोई भी औरत अगर खड़े होकर रोड पे काम कर रही है तो उसका कोई ना कोई रीजन है। मेन हमारी जो जर्नी है उसके मेन करेक्टर मेरे बेटे हैं और मैं उनकी सपोर्ट के लिए यहाँ खड़ी हुई हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवेरिया ताहिर है। वजह ये थी कि मेरे बेटे हैं वो सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दिए थे ना, तो कुछ टाइम वो फ्री थे तो उनके माइंड में ये आया कि मैं अपनी पॉकेट मनी अपनी इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस रन करना चाहता हूँ और उसके साथ उसी के मतलब लाइक उसको लेके फिर मैं आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँ। उनकी समझे ये जो मेन हमारी जो जर्नी है उसके मेन करेक्टर मेरे बेटे हैं और मैं उनकी सपोर्ट के लिए यहाँ खड़ी हुई हूँ, क्योंकि वो जब हमने ये सब चीज़ें प्लान की कि हम एक फूड कार्ट लॉन्च करते हैं और मैं उनके साथ यहाँ पे खड़ी होंगी, क्योंकि वो परेशान थे कि मैं अकेला ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करूँगा। मैं एक बिजनेस तो रन कर सकता हूँ लेकिन मतलब लाइक मैं अपने साथ, क्योंकि हम कोई इस वक्त हमारे पास हेल्पर नहीं था, कुछ नहीं था, तो फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि आप परेशान नहीं हो तो मैं आपके साथ खड़ी होंगी यहाँ पे। हम तकरीबन मैं उनके साथ 12 से 14 घंटे खड़ी होती हूँ और जो आप ये मेरी फूड कार्ट का नेम आप देखेंगे पे ईट्स के नेम से हमारी ये फूड कार्ट है। इसी नेम से मैं अपने होम बिजनेस को तकरीबन 7 से 8 साल के मैं एज अ केक डिज़ाइनर मैं अपने घर से ऑनलाइन बिजनेस कर रही थी और यही जो चीज़ें मैं यहाँ बना रही हूँ बर्गर्स हैं या फूड के जो भी फास्ट फूड के आइटम्स हैं तो वो मैं अपने घर से ऑनलाइन दे रही थी। क्योंकि जब आप देखें हम प्रीवियस में जाएँ तो थोड़ा सा टाइम ऐसा आया था जो बहुत हमारे पास कोरोना का सीज़न था और लॉकडाउन था जिसमें रेस्टोरेंट्स वगैरह सब सील कर दिए गए थे, इवेंट पे सब पाबंदी लग गई थी। तो जब मैंने ये देखा कि मेरे पास जो केक के ऑर्डर थे वो उस टाइम थोड़ा शॉर्ट हो गए थे और फूड का ज़्यादा रुझान हो गया था, लोग अपने घरों में जो थे वो ऑनलाइन खाना बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर रहे थे, हमने डिसीजन लिया कि हम कोई फूड का बिजनेस रन करना चाहें। तो उसकी वजह यही थी कि सीज़न कोई भी हो, हालात कोई भी हो, मेरे ख्याल से खाना रुकता नहीं है, लोगों को खाना चाहिए होता है। और वजह यही है कि हमने यहाँ फास्ट फूड का ये कार्ड लॉन्च किया। शुरुआत हमने हमारे पास इंटायर मेन्यू है, अभी आप दिखाइएगा, उसमें बर्गर्स हैं, रैप्स की कैटेगरीज हैं, 3 टाइप्स ऑफ रैप हमने रखे थे, बीफ बर्गर था, पिज्जा फ्राइज, मैक्सिकन फ्राइज। हमने यहाँ पे ये 16 अगस्त को ओपन किया था तो सितंबर के मिड में हमारे पास, जैसे आपको पता है कि हमने लॉन्च किया तो कुछ ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स वगैरह आए तो उनके थ्रू हमारी कुछ वीडियोज बहुत वायरल हुई और एक यूट्यूबर ने हमें मतलब लाइक कहा कि आप कोई डील अनाउंस कर दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए तो वो डिस्काउंट के साथ। तो हमने अपने यहाँ पे इस वक्त जो आप हमारे पास क्राउड देखेंगे वो डील के लिए आ रहे हैं जो ऑल ओवर द कराची से हैं और हमने वो डील अनाउंस की। हमारा 260 विद फ्राइज जिंगर बर्गर था नॉर्मल और 300 चीज जिंगर विद फ्राइज था, के लिए हमने एक 200 ईच विदाउट फ्राइज बर्गर रखा था तो वो हमने डील में 500 में 3 जिंगर रखे। वो डील जो थी हमारी वो वायरल हुई है और उसकी वजह से हमने अपना इंटायर मेन्यू, तकरीबन 2 मंथ से ज़्यादा हो गया है हमारा इंटायर मेन्यू क्लोज है और इस वक्त जो आप हमारे पास बर्गर्स वगैरह देख रहे होंगे वो वही डील के लिए बन रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में अल्लाह की रहमत है कि मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, मुझे अब ऑलमोस्ट 3 मंथ से ज़्यादा हो गया है। लेकिन ये जो एक फेयर था ना, जो ये डर होता है कि हम रोड पे खड़े हुए हैं कोई छेड़ेगा या कोई गलत कमेंट पास करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक। इनफैक्ट लोग बहुत दुआएं देके बहुत मोटिवेट करके जा रहे हैं और चाहे वो फैमिली मतलब फैमिलीज भी आ रही हैं, मेल भी हैं, हर एज ग्रुप के लोग हैं, लेकिन वो बहुत दुआएं देके बहुत अप्रिशिएट करके जा रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि ये तो फेयर मेरा जो था वो तो कहीं ख़त्म ही हो गया कि मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ तो कोई तंग कर रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो हमें यहाँ फेस करने पड़ रहे हैं। मैं पहले पिज़्ज़ा मैक्स के फ्रंट पे थी बिल्कुल, लेकिन हमें वहाँ से हटाया गया। कुछ KMCs के, कुछ DMC के, कुछ डिपार्टमेंट के इश्यूज होते हैं, वो ऑपरेशन करते हैं। मैं आपके तवज्जो से ये बात ज़रूर कहूँगी कि जितनी भी जहाँ भी ऑल ओवर द कराची, मैं सिर्फ यहाँ की स्ट्रीट की बात नहीं करूँगी, मैं कहूँगी कि जहाँ जहाँ भी औरतें अगर रोड पर खड़ी हुई काम कर रही हैं तो काइंडली उनको सपोर्ट करें, उनको कोई रूल बना के दे दीजिए कि वो वहाँ खड़े होके काम कर सके। कोई भी औरत अगर खड़े होके रोड पे काम कर रही है तो उसका कोई ना कोई रीज़न है। यहाँ पे तो आप हमारे बर्गर बहुत फेमस हो रहे हैं क्योंकि मेरी सॉसेज और मैरिनेशन जो है चिकन की वो सब होम बेस है। मैं कोई भी रेडीमेड सॉस यूज़ नहीं कर रही हूँ, जो मेरी स्पेशल जिंगर सॉस है मैं वो भी घर से बना के लेकर आती हूँ और जो मेरी मैरिनेशन है चिकन की वो भी मेरी घर से होती है। तो लोगों को टेस्ट पसंद आ रहा है, लोगों को हमारी चीज़ें जो पसंद आ रही हैं और उसके अलावा मेरे जो क्लाइंट हैं यहाँ के, मतलब लाइक मैं उनको भी अवेयरनेस दे रही हूँ कि मैं एज अ केक हूँ, तो जब उन्होंने केक मुझसे बनवाया तो उनको केक भी पसंद आया। तो माशाल्लाह से यहाँ पे खड़े होके हम अपना यहाँ पे केक भी प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को और यहाँ पे हम फास्ट फूड भी प्रोवाइड कर रहे हैं।